व्यवस्था विवरण अध्याय 33 व्यवस्था विवरण अध्याय 33 मूसा का इसराइलियों को दिया हुआ आशीर्वाद। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इसराइलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीनै से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोगों तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इसराइल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशुरून में राजा ठहरा। रूबेन न मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहां के मनुष्य थोड़े हो। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन, और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके विद्रोही के विरुद्ध उसका सहायक होगा। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नाम सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा कि मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वह तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाए, और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वदा पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। फिर उसने बिन्यामिनी के विषय में ये कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर बास करेगा, और वह दिन भर उस पर छाया करेगा, और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है मानो गाय का पहला उठा है, उसके सिंग बने पैल कैसे है। उससे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी की छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे इब्राहिम के लाखों लाख और मनुष्य के हजारों हजार हैं। फिर जुबलून के विषय में उसने कहा, हे जुबलून, तू बाहर निकलते समय और हे इसाकार, तू अपने डरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्मयज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है, और बाह को बरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है, और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहां रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य मनुष्यों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म
और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। हे यशुरून, परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाशमंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। और इस्राएल निरर बसा रहता है, अन्न और नए दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके उच्च स्थानों को रौंदेगा।